ये गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों में हरी सब्जियों की भरमार हो जाती है। तो सीज़न की पहली हरी सब्जी, मतलब पहली हरी सब्जी तो नहीं, पहली मूली कह सकते हो आप मेरे घर में तो सर्दियों के सीज़न की पहली मूली मैं अपने घर में लेकर आई हूँ और बाज़ार से लेकर आई हूँ। तो ये मूली मुझे देख के इतनी अच्छी लगी ना गाइस, हरी हरी, और खेतों से तोड़ के लाया था वो, जब जो भैया सब्जी वाला वो कह रहा था खेत से डायरेक्ट तोड़ के लाया हूँ मैं अपने गाँव से बेचने के लिए। और गाइस पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने काट के ये एक मूली खाई ना, खाने के साथ इतनी अच्छी, इतनी मीठी, इतनी ताज़ी मूली थी, मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी ये मूली। और साथ ही ना मैंने उन भैया से हरा धनिया भी ख़रीदा था, तो वो कहते मेरे खेत का ही हरा धनिया है, और इतना अच्छा, इतना ताज़ा धनिया था, देख कर ही दिल खुश हो गया। बहुत अच्छी खुशबू थी इस धनिया की ना। और सर्दियों में तो मतलब हर खाने में जब तक आप हरा धनिया ना डालो ना, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब हर दाल में, सब्जी में, मतलब जो भी, और नॉनवेज वगैरह जो भी बनता है ना, सब में हरा धनिया डलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में हरा धनिया डालना ना, एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही फ्लेवर हो जाता है हरा धनिया डालने के बाद, और देखने में तो लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हरा धनिया मैं लेकर आई थी, और मूली लेकर आई थी, तो मूली बहुत टेस्टी थी खाने में, मीठी मूली थी। तो इसके ना मैंने मूली के पत्ते अलग करके रख लिए हैं, इसकी मैं भुजिया बनाऊंगी। मूली के पत्तों की भुजिया जो बनती है वो बहुत टेस्टी लगती है खाने में, और पेट के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए मूली कितनी छोटी छोटी मूली है, वो कह रहा था देसी मूली है, देसी मूली छोटी छोटी होती है। तो जब मैंने इसको खाया ना काला नमक लगा के सलाद में रात को खाने के साथ, तो ये वाकई में बहुत टेस्टी मूली थी, और बिल्कुल भी जैसे मिर्ची होती ना मूली में झारे लगती हैं, तो वो नहीं था। और ये देखिए अभी तक इसमें खेत की मिट्टी लगी हुई है। तो यहाँ देखिए मैंने पत्तों को अलग करके रख लिया है, और इन पत्तों को ना मैं काट के रख लूँगी। तो अभी ऑलमोस्ट ना रात के 12 बज रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो कई बार मैं क्या करती हूँ, जब मुझे रात को नींद नहीं आती ना गाइस, तो मैं सुबह के लिए थोड़े बहुत काम जो है ना वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह होते ना, मतलब दिन में, पूरे दिन में 100 काम होते हैं करने के लिए। तो मैं सोचती हूँ अगर रात को मुझे नींद नहीं आ रही, तो कुछ एक काम मैं निपटा लूँ, ताकि सुबह मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए, मेरा थोड़ा सा ना टाइम भी सेव हो जाए। तो मैं इस तरीके से अपना जो है थोड़े थोड़े काम इस तरीके से निपटा लेती हूँ अपने। तो ये देखिए मैंने मूली के पत्ते, मूली अलग कर ली थोड़ी सी सलाद में काटने के लिए ना, तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा सबकी भुजिया बन जाएगी तो फिर मतलब सलाद में खाने के लिए नहीं बचेगी। तो देखिए आपने देखा ना 12 बजने हैं रात के, तो यहाँ पे मेरे सलाद की मूली अलग कर दी, और भुजिया बनाने के लिए मूली और उसके पत्ते काट के अलग कर दिए। तो देखिए इनको मैं ना अभी फ्रिज में लगा दूँगी, और सुबह जब दोपहर मतलब लंच में जब बनाऊँगी, तो उसमें मूली के पत्तों की भुजिया बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी दाल। तो मेरा एक काम सुबह का जो है वो कम हो गया है। ये सलाद के लिए मैंने मूली बचा ली थी गाइस, आप कहोगे बार बार बोल रही है, बट लिटरली ये मूली ना इतनी मीठी मीठी सी थी, और खाने में बहुत अच्छी लग रही थी, इतनी सॉफ्ट थी ना, बस मैं क्या बताऊँ। तो ये मेरे घर में सीज़न की पहली मूली की भुजिया बनेगी, और मतलब सलाद में भी हमने अब सीज़न में पहली बार ही खाई है। और ये देखिए ये मैं गुलाब जामुन लेकर आई थी, छोटे छोटे गुलाब जामुन है। तो जब मैंने फ्रिज में मूली रखने लगी ना गाइस, तो गुलाब जामुन देख के ना मुझे अंदर से लालच आ गया थोड़ा सा। तो पहले मैंने सोचा खाऊं कि नहीं खाऊं, रात हो रही है, ज़्यादा मीठा हो जाएगा, बट फिर मेरा मन नहीं माना, तो मैंने फ्रिज से निकाला और इनको मैं गर्म किया। और ये देखिए मेरे अंदर के लालची इंसान को देखिए तो मैंने अपने लिए एक गुलाब जामुन गर्म किया था, और मैं उसको खा रही हूँ। और खाते के साथ ही ना गाइस, जैसे ही मैंने इसको चबाया ना गुलाब जामुन को, मेरे गालों से ना पानी की पिचकारी निकल गई एकदम इतने टेस्टी गुलाब जामुन थे ना, मैं क्या बताऊँ। और गुलाब जामुन तो मिठाइयों में वैसे ही बहुत सबको ही पसंद आते हैं, मुझे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इस तरीके की ना बंगाली मिठाइयाँ मुझे बहुत पसंद है। तो फिर भी रात को 12:15 का टाइम हो रहा था, मैंने चीटिंग कर ली और एक गुलाब जामुन खा लिया गर्म करके, तो मज़ा ही आ गया खा के ना, मतलब दिल खुश हो गया मिठाई खा के। तो जी सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं कुटकुट का जो है कॉर्न बॉईल कर रही हूँ, और यहाँ एक तरफ बन रही है मेरी चाय, और कुटकुट महाराज भी सो के उठ चुके हैं। खा लिया टूटी फूटी खा ली है भाई, बता दो टूटी फूटी खा ली, इतनी सुस्ती आई है, इतनी ज़्यादा सुस्ती आ गई है क्या भाई? चुनू की वीडियो बन ली है का?
यहाँ मैं मूली की भुजिया बना रही हूँ। मैंने एक चम्मच सरसों का तेल गरम किया था और उसमें जीरा क्रैकल डाल दिया, क्रैकल हो गया। साथ में एक टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और तीन चार हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और इनकी रॉ स्मेल जाने तक मैं इनको भून लूँगी। साथ ही इसमें मैंने ना हाफ टी स्पून हल्दी डाल दी है और रेड चिली कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये भुजिया थोड़ी सी चटपटी अच्छी लगती है तो इसे मैंने थोड़ी सी ना मिर्ची थोड़ी सी इसमें अच्छे से रखी है, तो मतलब लगभग एक टीस्पून के करीब मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है और मूली के कटे हुए पत्ते और मूली मैं इसमें ऐड करके और नमक डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है और पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसी के साथ मैंने बनाई थी दाल, क्योंकि दाल के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और इसको मैं मिक्स करके ना ढक के लो टू मीडियम हीट पे पकने दूंगी जब तक ये पत्ते अच्छे से गल नहीं जाते और मूली पक नहीं जाती। तो जब तक ये सब्ज़ी पकेगी एक साइड में अपने बर्तन धो लूँगी, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और मतलब ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे थे इस टाइम पे, तो मैंने लंच बनने रख दिया था और मैंने कहा चलो जितना लंच बनेगा ना साथ में छोटे छोटे काम मैं अपने इसी तरीके से निपटाती रहती हूँ। गाइस सर्दियों के दिन हैं और दिन छोटे होते हैं क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो इसी तरीके से मल्टीटास्किंग करते हुए ना दिन के छोटे मोटे काम कई मतलब एक साथ कई काम करते करते ना दिन ऐसे ही निकल जाता है और थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी चाहिए होता है, इंसान को थोड़ा सा रेस्ट भी करना होता है और भी चीज़ें करनी होती हैं। तो इसी तरीके से मल्टीटास्किंग करती रहती हूँ। आई होप सभी लेडीज़ें इसी तरीके से अपने घरों में काम करती होंगी। तो जितनी देर में सब्ज़ी बनेगी तो उतनी देर में मेरे बर्तन धो के यहाँ पे वॉश हो जाएंगे, बर्तन वॉश करके मतलब धुल जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ बस मैं वो बर्तन धोऊंगी और बर्तन धोने के साथ ही ना मैं यहाँ पे चावल भी पकने रख दिए थे मैंने, तो जब तक चावल भी बॉयल हो जाएंगे मेरे उसके बाद मैं सीधा अपना किचन साफ़ कर लूँगी। तो इसी तरीके से चलता रहता है, जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी वैसे वैसे और ज़्यादा मल्टीटास्किंग बढ़ेगी। तो साथ में आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियोस पसंद आती ना गाइस तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियोस को, हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोगों के ना एक एक लाइक से एक एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और अच्छे काम करने की। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे बस बर्तन धुल रहे हैं मेरे और एक साइड मेरा खाना भी पक रहा है। दाल मैंने पहले ही पकने रख दी थी, आज मैंने अरहर की दाल बनाई है और साथ में मूली की भुजिया। तो बर्तन तो धुल चुके हैं, साथ में मैंने यहाँ पे चावल भी पकने रख दिए हैं। देखिए जब तक चावलों में उबाल आएगा और बर्तन धुले जितनी देर में उतनी देर में मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट यहाँ डन है, बस थोड़ा सा इसका पानी और सीज जाए तो बस यहाँ पे मूली की भुजिया मेरी बनके तैयार है। और साथ ही मैंने देखिए किचन भी अपना क्लीन कर लिया था, देखिए पूरी शेल्फ मैंने साफ़ कर दी है, गैस भी मेरी क्लीन है और दाल भी मेरी पक के तैयार है। यहाँ पे 5-7 मिनट में चावल पक जाएंगे, मूली की भुजिया पक के तैयार है और ये देखिए पूरा मेरा सिंक भी यहाँ पे पूरा किचन साफ़ है। तो खाना बनाते बनाते ना साइड में मैं जल्दी जल्दी छोटे मोटे काम भी अपने निपटाती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए किचन साफ़ कर लिया है अच्छे से और ये पूरा मेरा ड्राइंग रूम है, ये भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया था जितनी देर में मैंने दाल पकने रखी थी। तो ये देखिए डस्टिंग कर ली है सारे फर्नीचर की अच्छे से, झाड़ू भी लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया, तो मेरा घर एकदम चकाचक हो गया इस वक्त और इतना रिलैक्सिंग लगता है ना घर साफ़ सुथरा देख के ना, ये लगता है कि हाँ भाई चलो, जब मतलब जब हम काम करते हैं जब तो थकान हो जाती है, बट जब घर साफ़ हो जाता है ना तब एकदम हम रिलैक्स हो जाते हैं कि यार अब घर साफ़ हो गया। तो दोपहर को खाना वाना खाने के बाद रिलैक्स करने के बाद अब बज रहे थे 6:30 बजे का टाइम था, तो मैंने आपको बताया था मेरी दवाई चल रही थी तो मैंने बीच में स्किप हो गई थी क्योंकि घर में वाइट वॉश चल रहा था, तो मैंने सोचा अब वाइट वॉश का काम खत्म हो गया है और सफाई भी हो गई है तो क्यों ना मैं जाके अपनी दवाई ले आऊँ। बस यहीं पर रुकना भैया, बस 5 मिनट रुकना, मैं आई दवाई लेके, ठीक है। तो यहाँ पहुँच गई हूँ डॉक्टर के क्लिनिक पे और मैंने आपको बताया था कि मैंने इंग्लिश दवाइयाँ अपनी सारी बंद कर दी हैं, इंग्लिश दवाइयों से ना मैंने होम्योपैथी पे स्विच कर दिया है। तो यहाँ पे वो क्लिनिक है जहाँ से मैं अपना होम्योपैथी का ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, तो बस मैं यहाँ से अपनी दवाइयाँ लेके और फिर घर जाऊँगी। तो क्लिनिक के अंदर मैं आ गई हूँ, ये देखिए मैं आपको अंदर का दिखा रही हूँ। तो ये सारी शॉप है और यहीं पर जो डॉक्टर हैं वो बैठते हैं, ये डॉक्टर का कैबिन है सामने। तो यहाँ पे ना शूटिंग अलाउड नहीं थी डॉक्टर के कैबिन में अंदर, फिर भी लेकिन बाहर का जो केमिस्ट है वहाँ पे मैंने शूट कर लिया था। तो बस अब जैसे ही मेरा नंबर आएगा मैं अंदर जाऊँगी और दवाई लेके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने दवाई ले ली है क्योंकि अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने अंदर का शूट नहीं कर पाई अपनी दवाइयाँ लेके। अब मैं घर जाऊँगी और आज आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है तो मैं आइसक्रीम भी लेके घर जाऊँगी। तो गाइज़ मुझे ना कसाटा आइसक्रीम खाने का मन था बट कसाटा आइसक्रीम मिली नहीं, बट ठीक है जो मिल गया इट्स ओके। तो मैं मदर डेरी की ना आज डबल फ्लेवर वाली आइसक्रीम लेकर आई हूँ, वनीला और स्ट्रॉबेरी।
तो खाई, टेस्ट में बहुत अच्छी थी। और आइसक्रीम तो चाहे कोई सी भी हो, कैसी भी हो, सिर्फ बटर स्कॉच छोड़ के ना मुझे सारी आइसक्रीमें बहुत पसंद है। बस मुझे बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए, मैं ये वाला ब्रिक लेकर आई हूँ। और जैसे ही मैंने आइसक्रीम का ब्रिक खोला ना, एक्चुअली मेरे बेटे को भी आइसक्रीम बहुत पसंद है और मुझे भी, तो हम दोनों माँ बेटे ना टूट पड़े आइसक्रीम के ब्रिक के ऊपर। और गाइस, इतनी टेस्टी लग रही थी। सर्दियों में, गर्मियों में तो आइसक्रीम अच्छी ही लगती है, लेकिन सर्दियों में आइसक्रीम खाने का ना मज़ा ही अलग होता है। तो मैं और मेरा बेटा ऐसी बात कर रहे थे, और बात करते करते ना हम लोगों ने देखिए सारी आइसक्रीम सफाचट कर दी। आइसक्रीम कब ख़त्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और मेरा बेटा भी जब आइसक्रीम एकदम देखिए जिस तरीके से ख़त्म होने लग गई ना, हमें और मेरा बेटा एक दूसरे का मुंह देख के हंसने लग गए कि हम बात करते करते सारी आइसक्रीम खा गए। तो ये देखिए, यहाँ पे बची कुछ आइसक्रीम भी खत्म। सब कुछ हो गया, पूरे दिन का काम निपट गया, और अब बहुत तेज़ नींद आ रही है क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। और दवाइयाँ मैं अपनी ले आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया, जहाँ मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ वहाँ से दवाइयाँ मैं ले आई थी, और साथ ही आइसक्रीम लेकर आई थी, जो बात करते करते मैं और मेरा बेटा हम सारी आइसक्रीम खा गए। और पता ही नहीं चला, क्योंकि मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं, तो उनमें से आइसक्रीम एक चीज़ है। तो आइसक्रीम मेरी मोस्ट फेवरेट है, मुझे मतलब मैं जी भर के आइसक्रीम खा सकती हूँ, पेट भर के आइसक्रीम खा सकती हूँ। तो इसीलिए बात करते करते ना मैं और मेरा बेटा हम पूरी आइसक्रीम खा गए। आप लोग सोच रहे हो कैसे हफशी लोग हैं ये लोग। तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो ना आपको आज का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं और मेरा काम आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो जो रिव्यूज़ मैं कर चुकी हूँ ना, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस रिव्यूज़ चेक करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काम की निकल आए, ठीक है गाइस। तो इसलिए लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे दे देती हूँ। और कुकिंग चैनल को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके आप चेकआउट करके अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। बाय।